सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। तस्वीरें बुलंदशहर से, जहां पर पौष इलाका जीएम कॉलोनी, जहां जिले के तमाम अफसरान रहते हैं, वहां से लगे हुए इलाके के लोगों ने अपने घरों के बाहर रास्ता नहीं तो वोट नहीं की नोटिस चस्पा दिए हैं। साथ ही साथ आज मतदान का बहिष्कार भी किया। इन लोगों से आज मतदान नहीं कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उनके घरों से निकलने वाला रास्ता 50 वर्षों से खुला था, मगर जीएम कॉलोनी जहां अधिकारियों के आवास है, वहां से उनके घरों को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया, जिसके चलते इन घरों में रहने वाले लोगों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज इलाके के सभी लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। हम लोग, मेरे दादाजी की पैतृक संपत्ति है, जितनी भी कॉलोनी बनी हुई है, ये डीएम कॉलोनी भी मोदी जी तक पहुंचाएगी, योगी जी तक पहुंचाइए। मतदान तो सबका अधिकार है। विरोध चाहेंगे, नोटा दबा के आ जाएंगे हम लोग। अब विरोध का दूसरा तरीका, विरोध का दूसरा तरीका, मोदी जी ये भाजपा का गढ़ है, ये जगह भाजपा की है, यहाँ सबको भाजपा से वोट जाते थे, भाजपा के नाम पे आप किसी को खड़ा कर दीजिए, हर आदमी जीतता था यहाँ से, यहाँ से बहुत भाजपा को ही जाते थे। डाल ले, रास्ते की वजह है और क्या, मौलिक अधिकार है अपना, अपना मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो प्रशासन ने अपना अधिकार करा, हम अपना अधिकार कर रहे हैं। तो ये रास्ता किसने बंद कराया? डीएम ने। कौन डीएम थी और क्या कार्रवाई हुई थी, बता रहे हैं सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। हाँ, सांसद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। किसने कराई थी? बड़ी डीएम ने कराई थी। अब आप लोग संजय कप ने, अब आप लोग क्या चाहते हैं? रास्ता चाह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास आने जाने का जो इनका मुख्य रास्ता वो इनके पास उपलब्ध है। ये डीएम कॉलेज से होकर एक जो छोटा रास्ता दिया गया है, इनको अभी भी मौजूद है, उसको चौड़ा करने की इनकी मांग है। तो इस इनकी इस मांग को चलता ही समय रखा जाएगा, लेकिन मतदान का बहिष्कार न करने की मैंने इनसे अनुरोध भी किया, अपील भी की है, और किसी भी हालत में हम सभी लोगों को लोकतंत्र के बहरी होने के नाते मतदान का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। वही मेरा इनसे अनुरोध है कि ये इस बात को डिमांड को रखें, कोई दिक्कत नहीं है, पर मतदान का बहिष्कार किसी भी हालत में ना करें और बढ़ चढ़कर मतदान।